ओके सो इज इट रोलिंग ओके हिंदी मोड सो हाय गाइस हाउ आर यू आई होप यू ऑल वुड बी डूइंग गुड कैसे हैं दोस्तों आप लोग तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो आज हमारे साथ हैं शिवी सिंह मेरी बहुत अच्छी दोस्त सो शिवी सहपाठी सहपाठी मेरी कैमरामैन तो शिवी हाय बोल रहे पीछे से हाय कैमरा तो मैं शिवी का इंस्टाग्राम पर यहीं पे लिंक कर दूंगा ताकि आप उसको जाके फॉलो करके बोल सको कि अनुभव कितना अच्छा इंसान है तो हमारे साथ अरब भी आ रहा अपनी चेहरा दिखाइए जरा सो ये शिवी का कजन है तो इस सबको हटाते हैं शिवी और उसके भाई को और आज ये बताते हैं और हमारी गाड़ी को हाँ आज हम आपको गाड़ी के बारे में बताएंगे और आज हमारे पास बहुत तगड़ा कंटेंट है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाते हैं तो शिवी जी अपने हाँ इसकी चाबी रही तो आज हम आपको बताने वाले हैं स्क्रैच से कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलती है तो दोस्तों मैंने भी बस 2 मिनट पहले सीखा है तो भाई आपको तो 1 मिनट भी लगेगा सीखने में क्योंकि बहुत आसान है ऑब्वियसली आप वीडियो से नहीं सीख पाओगे कोई प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए सीखने के लिए लेकिन सच बताऊं तो बहुत आसान है अगर आपने स्कूटी चलाई तो गाड़ी भी चला सकते हो आराम से तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी चाबी से तो इस पर्टिकुलर गाड़ी में ना कीलेस एंट्री आता है और पुश बटन स्टार्ट है तो कैमरामैन एक बार पुश बटन स्टार्ट दिखा दो गाड़ी का तो थोड़ा आगे लेके कैमरामैन तो ये इसका पुश बटन स्टार्ट है जो आपको दिख रहा होगा एक सेकंड मैं पकड़ लेता हूँ हाँ ये इसका पुश बटन स्टार्ट है दोस्तों तो ये भी लिट नहीं होगी मैंने इसको ऑन नहीं किया अभी तो अब आप वापस चलिए कैमरामैन तो इसमें आपको चाबी इंसर्ट नहीं करनी पड़ती जैसे पुराने जमाने गाड़ियों में करनी पड़ती थी इसमें बस आपको ब्रेक पे पैर रख के इसको बस दबाना होता है और एनिमेशन दिखा दीजिए कैमरामैन कि ये ऑन हो गया है तो ये देखिए इसकी ये नीडल ऊपर ग्लो हो चुकी है मतलब 800 आरपीएम पे आ चुकी है मतलब ये गाड़ी टर्न ऑन हो चुकी है तो मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी टर्न ऑन कैसे होती है ऑटोमेटिक गाड़ी बस ब्रेक पेडल पे पैर रखना है और ये पुश बटन स्टार्ट दबाना है इस पर्टिकुलर ऑटोमेटिक गाड़ी में तो उसके बाद आपने गाड़ी ऑन कर ली पहले तुम शीशे डाउन करेंगे कि बहुत फॉग जम रही है इस गाड़ी में तो आई होप बाहर का नॉइज ना आ रहा हो और उसको हम वापस बंद कर देते हैं साफ हो गए ये तो ये एक डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी है डीजल अमेज टॉप ऑफ द लाइन सीवीटी गियरबॉक्स 80 PS पावर और 160 Nm ऑफ टॉर्क उसका आपको कुछ नहीं घंटा कुछ नहीं करना है तो अब इसके कैमरामैन इसके गियरबॉक्स पे आई है तो अगर आपको सिर्फ नॉर्मल गाड़ी चलानी है मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपकी काम की पार ये 1, 2, 3, 4 फंक्शन है तो ये पार्क ये है रिवर्स पार्क मतलब जब आपकी गाड़ी एकदम स्टैंड स्टिल पे आपको कुछ गाड़ी स्टैंड स्टिल पे खड़ी हो ये रिवर्स के लिए आपको पीछे आना न्यूट्रल जब गाड़ी स्टैंड स्टिल पे है ये आपका ड्राइव मोड सबसे मेन है ये है स्पोर्ट्स मोड इस पे अगर आपको गाड़ी भगानी है तो ये आपका लिफ्ट मोड जो आपको हिल्स में काम आएगा बेसिकली ताकि आपकी गाड़ी पीछे रोल बैक ना हो तो ये इसका गियर लीवर और आप इसका कैमरे में थोड़ा यहां से दिखाएंगे कि इसमें पीछे बटन है तो जैसे इस बटन को दबाते हैं उससे ये पीछे ये रोल बैक होता है जैसे मैंने भी किया और अगर मैं इसको बिना उसके दबाऊंगा तो ये कुछ नहीं होगा इसका ठीक है तो गाइस जैसे आप इसको बटन दबा के इसको पीछे करेंगे ये उस पर्टिकुलर ड्राइव मोड में आ जाएगा तो जैसे अब ये पार्किंग मोड पे है अगर मैं इसको बटन दबा के इसको रिवर्स पे करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका रिवर्स कैमरा एंगेज हो गया तो अभी ये रिवर्स में है ठीक है गाइस फिर अगर मैं इसको और नीचे करूंगा तो ये है ड्राइव न्यूट्रल पे आ गई अभी है तो न्यूट्रल पे कुछ नहीं होगा बस ये रेव कर सकते हो आप इस गाड़ी को और अगर आपकी गाड़ी सांसू पे है तो ये ड्राइव मोड पे जिस पे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं अभी और ये भी पार्किंग में ही आ गई ये इसका शिफ्ट लॉक है कैमरे में थोड़ा शिफ्ट लॉक दिखा दो इसमें पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव स्पोर्ट्स और ये लिफ्ट मोड आता है लिफ्ट मोड यानी इंक्लाइन मोड है मतलब बेसिकली हिल्स के काम आता है जो इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं तो बेसिकली इसमें एक और चीज आती है जो है शिफ्ट लॉक तो बहुत लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है जैसे अगर मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर गया ना गाड़ी भी स्टार्ट है लेकिन मान लो अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है जैसे अभी तो स्टार्ट हो रही है तो मान लो अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई जैसे कुछ भी नहीं चल रहा है जैसे अभी तो सब कुछ चल रहा है लेकिन मान लो कुछ भी नहीं चल रहा है जैसे ये AC वगैरह सब खराब है गाड़ी का तो उसमें ऑब्वियसली उसमें आपको गाड़ी उसी में आपको गाड़ी टो करनी पड़ेगी तो गाड़ी टो कैसे करोगे आप अभी तो पार्किंग में तो ऑब्वियसली तब अगर इसको आपको टो करना है ना तो ये न्यूट्रल पे जब आएगा ये तभी टो पाएगी मतलब ये आगे तभी मूव हो पाएगी वरना कोई हिला भी नहीं सकता अगर ये गाड़ी पार्किंग मोड में खड़ी है तो उसके लिए क्या करना होता है या फिर ये इसमें तो चाबी वाला सिस्टम है ठीक है या फिर कुछ गाड़ियों में ये वो बटन दबा के भी होता है फिर ना आप इसको यहाँ पे साइमल्टेनियसली इसको ऐसे करके अभी नहीं होगा ये अगर मैं फॉर आपको टाइम बिंग इसको मैं ये करके दिखा देता हूँ ये इसमें चाबी वाला है तो ये आप इसको ऊपर करके पूरा इसको न्यूट्रल पे ला सकते हो फिर ये गाड़ी टो हो जाएगी चलेगी तो नहीं लेकिन टो आने की उसमें हो रहेगी ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया शिफ्ट लॉक के बारे में अगर आपकी गाड़ी में है तो कुछ गाड़ी में नहीं होता शायद लेकिन डोंट कोट मी ऑन दिस हो भी सकता नहीं भी हो सकता तो हम बात करते थे चलानी कैसी है तो कैमरामैन आप इधर दिखाओ एक बार मैनुअल गाड़ी के कंपेयर में इसमें बस 2 पेडल हैं ये इसका ब्रेक है ये इसका एक्सीलेटर है तो आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल तो लेफ्ट पैर को एकदम खुला छोड़ देना है जैसे मैंने छोड़ रखा है गाड़ी बस आपको राइट पैर से चलानी है तो इसका ब्रेक है ये इसका एक्सीलेटर है ओके सो गाइस देखो इसमें 2 पेडल्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरामैन पेडल्स दिखाइए
तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका लेफ्ट पैर है इसको एकदम फ्री रखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इसको एकदम फ्री रखना है, ठीक है। तो गाड़ी हमारी कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट वाली है, तो चाबी डालने की जरूरत है नहीं। तो अब आपको राइट पैर यूज करके पूरा ब्रेक पेडल दबाना है, और ये जो पुश बटन की है, पुश बटन जो बटन है उसको दबाना है। तो छोड़ दीजिए कैमरामैन, जैसे मैं इसको ऑन कर, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं एनिमेशन आ गई, पकड़ लीजिए कैमरामैन, ये दोस्तों हमारी गाड़ी ऑन हो गई है, ठीक है। और अगर आप मान लो आपको अगर इग्निशन पे लाना है, इसको सिर्फ इग्निशन पे, मतलब आपका इंजन ना ऑन रहे लेकिन मान लो आपको गाने वाने सुनने का भी, तो उसके लिए इसको ऑफ करो, चिड़िया की आवाज के लिए खेत है दोस्तों। और जैसे आपको बस गाने सुनने, तो बिना ब्रेक पेडल को दबाए आपको बस ये बटन एक बार प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया, तो मतलब आपको जो भी आप कुछ करना है आप यहाँ से वो ऑन कर सकते हैं, मतलब गाने चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत फॉग जम रही है, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन हो, और अगर आपको ऑटोमोटिव कंटेंट देखने का शौक हो तो। स्पेलिंग गलत है, जो भी है मेरी इंग्लिश भी है, इसलिए आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसका इग्निशन ऑन करना सीख लिया, हमने इसका इंजन ऑन भी करना सीख लिया ब्रेक पेडल दबा के, तो हम इसको चला के देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम इसको डिफॉग कर लेंगे, तो उसके लिए हमें इंजन ऑन ही करना पड़ेगा। तो अब हमें ऑन करनी है, तो देखिए मैंने राइट पेडल पूरा ब्रेक पेडल दबाया, और ये मैंने दबाया, गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट। अब गेयरबॉक्स पे दिखाइए कैमरामैन जी, तो ये हमने इसका बटन दबाया आगे का, ये जो आगे बटन दिया है यहाँ से दिखाइए। तो अगर आपको कैमरामैन दिखा पा रहे होंगे और उनमें इतनी खूबियाँ होंगी, तो हमने इसको बटन को दबाया, ठीक है। सो गाइस हमने आपको गाड़ी ऑन करना सिखा दिया, गाड़ी को इग्निशन पे कैसे लाना है वो सिखा दिया। तो अब हम फाइनली आपको मेन चीज मुद्दे के बाद हम आने वाले हैं कि गाड़ी को चलाना कैसे है, ओके दोस्तों। तो अभी हम इसका डिफॉगर बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत फॉग हो रही है डेली में, मतलब ठंड हो रही है, तो उसके से फॉग भी हो रही है, तो हमने बंद कर दिया है। तो जैसे अभी गाड़ी ऑन है, तो गाड़ी आप एक बार कैमरा में गियरबॉक्स पे दिखाएंगे, तो अभी गाड़ी पार्किंग मोड पे है। तो अगर जैसे आपको चलते बनना है, ग्रीन लाइट हो गया, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गया, आपको आगे चलना है, तो ये देखिए मेरा पैर, ये मैंने पूरा ब्रेक पेडल दबाया। आपको राइट पैर से चलानी है गाड़ी, मतलब ये आपके कंफर्ट के हिसाब से कि आपको किस पेडल से चलानी है, मुझे राइट पैर सूट होता है। तो पूरा ये ब्रेक पेडल दबाया आपने, फिर ये आपने गियर लीवर को ड्राइव में शिफ्ट करना है, ये मैंने कर दिया ड्राइव पे शिफ्ट। और आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख रहे होंगे यहाँ पे डी आ गया है, और अगर मैं इसको फिर से पार्किंग में डालूंगा तो पार्किंग आ गया है। तो मैं अब इसको मैंने ये किया ड्राइव पे, ठीक है, कैमरामैन पकड़िए, अब इसको सीट बेल्ट हमने लगा लिया, कैमरामैन आप पहले सीट बेल्ट लगाओ, इसकी वार्निंग आ रही है अभी, सीट बेल्ट लगा जल्दी जल्दी लगाना। तो देखिए हमने सीट बेल्ट भी लगा लिया गाइस, ओके। सो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली बस ब्रेक, हैंड ब्रेक हमने पुल कर रखा था अभी, तो हम इसको डाउन करेंगे, बस हमको हल्के से ये ब्रेक पेडल छोड़ना है बस, और हम चलते बने हैं दोस्तों। विंडोज में डाउन कर सकते हो, आप दिल्ली का पोल्यूशन देख सकते हैं, बस इट इज एज इजी एज दैट। अब कैमरामैन आप मेरे व्हीकल मूवमेंट्स दिखाएं, क्योंकि हमारे पास अभी बजट नहीं कि गोप्रो में शूट कर पाए व्हीकल मूवमेंट, सॉरी फुट मूवमेंट। तो गाइस हमारी गाड़ी अभी बस क्रॉल मोड में चल रही है, और एक किसी कॉल आ रहा हम कार्ड उठा नहीं सकते अभी। तो ये गाइस हमारी गाड़ी अभी चल रही है क्रॉल मोड पे, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, बस ये चलती जाएगी नॉर्मल। तो मैं इसका स्टीयरिंग ऐसे घुमा के अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि कैसे चलानी है। तो बस ये अभी अपनी क्रॉल मोड पे चल रही है, जैसे गाड़ी क्लच छोड़ने पे नहीं चलती है, लेकिन उस पर भी एक टाइम पे आकर स्टॉल हो जाती है, लेकिन अभी ये क्रॉल मोड पे चल रही है। और अगर अब मुझे सीधा अगर तेज चलानी है, तो ऑब्वियसली मैं इसको एक्सीलरेटर दबाऊंगा, और ये देखिए, और ब्रेक मारने पे ब्रेक मार देंगे आप। तो इट इज एज इजी एज दैट। हाँ मैं जानता हूँ मैंने उतने अच्छे से नहीं समझाया जितना बाकी यूट्यूबर से समझा, बाकी पब्लिश यूट्यूबर से समझा रखा है, लेकिन हमारे पास अभी इक्विपमेंट नहीं है, और हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम है, क्योंकि लाइट कम है, तो वही है। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ गाड़ी रोक, अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपने दबाया ब्रेक पेडल आराम से, और ये गाड़ी आपकी रुक गई, बस ये आपने उठाया ये बटन गियर लीवर को, और ये कमी आपने कर दी पार्किंग पे। जैसे आप पार्किंग पे करोगे गाड़ी को बस चल जाएगा कि आपको रुकना है, तो इसके डोर इस पर्टिकुलर इमेज में ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं ये वो हो गए अनलॉक हो गए। और मान लीजिए अगर आपको गाड़ी रिवर्स करनी है, आपको पार्किंग में डालनी है, कुछ भी करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, पार्किंग से हटाने के लिए हमेशा आपको ब्रेक पेडल दबाना ही पड़ेगा। तो ये आपने दबाया गियर लीवर का बटन, और ये कर दिया हमने रिवर्स में। इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है, जो कि अडैप्टिव नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत सही सही इन्फॉर्मेशन बता देता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस धीरे धीरे ब्रेक पेडल छोड़ना है, वही क्रॉल मोड में आ जाएगा, फिर वही है ये अब रिवर्स होने लग गई है। अब आप एक बार मेरे, और जैसा आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रिवर्स का साइन आ रहा है, मतलब ये गाड़ी अभी रिवर्स में है। तो वही, फिर अगर आपको थोड़ा तेज एक्सीलरेट करना है, तो हल्का सा एक्सीलरेटर प्रेस कीजिए, ऑल्दो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप रिवर्स में इस गाड़ी को स्पीड अप करें, बस मैंने आपको करने के लिए दिखा दिया। तो वही, फिर मैं इसको वापस, और अगर आपको मान लो दोस्तों, जैसे आपको अगर हाँ जैसे आपको अगर आप रिवर्स में हो, और अगर आपको आगे बढ़ना है,
तो आपके मन में अभी कॉमन डाउट आ रहा होगा कि हमें ब्रेक पेडल तब दबाने की जरूरत है, तो ब्रेक पेडल मार के आप गाड़ी रोक सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे आप रिवर्स में डालोगे तो क्रॉल मोड पे चलने लगेगी, तो आपको ब्रेक पेडल दबाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से फिर, क्योंकि फिर रिवर्स में जाती रहेगी। तो आपने ब्रेक पेडल दबाया, फिर आपने उसको उठा के ड्राइव मोड पे कर देना है, फिर जैसे आपने ड्राइव पेडल पे छोड़ा क्रॉल मोड वापस, इसमें कोई स्टॉल वॉल होने का आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस ड्राइव मोड पे डालना और एक्सेलरेटर करना है, तो बस एक डीजल इंजन, तो उसके बाद आपको आ रही होगी, तो वही है बस। और जैसे और तो कुछ जानने की ज्यादा बात है नहीं, जैसे अपनी डेस्टिनेशन में आ गए, और दिल्ली में एज यूजुअल हिल्स है नहीं, तो हम आपको भी एल मोड का हम यूज बता नहीं सकते, वो हिल्स में ज्यादा काम आता है, ज्यादा सक्सेसफुल वो हिल्स में है, और वही बस फिर आप इसको नॉर्मल पार्किंग मोड में करके व्हीकल्स आपके लॉक, डोर आपके अनलॉक हो गए, फिर आप ऐसे हैंड ब्रेक खींच के अपनी सीट बेल्ट उतार के ऐसे गाड़ी से बाहर, सॉरी इंजन बंद करके ऐसे गाड़ी से बाहर जा सकते हो। चाबी ले जाना मत भूले। Sliding up, pussy, it's a homicide.